हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुस्कान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में पास दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप अपडेटेड रहेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, NAAC से ए प्लस ग्रेड हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जवाब है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इंदौर बेस्ट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय NAAC से ए प्लस ग्रेड हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो इसका जवाब है महाराजगंज। गिद्ध की जनसंख्या के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज में प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 26 नवंबर। देश में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन 4, किस मंत्रालय ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विस आवास पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी निर्धन लोगों के लिए 3.31 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए आवासों की कुल संख्या 96 लाख पहुंच गई है। सरकार ने इस योजना का तहत 2020 तक 1.12 करोड़ घरों का निर्माण लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्रालय ने कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 70वें संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कर्तव्य पोर्टल को लॉन्च किया। इसकी वेबसाइट kartavya.ugc.ac.in है। इस पोर्टल पर छात्रों के लिए मासिक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस पोर्टल को नागरिक कर्तव्य पालन अभियान के तहत लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, रॉयल एरोनॉटिक सोसाइटी ने भारत के वैज्ञानिक को मानद फेलोशिप प्रदान की गई। तो इसका जवाब है जी सतीश रेड्डी। हाल ही में वैज्ञानिक व रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के प्रमुख जी सतीश रेड्डी को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल एकेडमी द्वारा मानद फेलोशिप प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, क्राई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। द चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्राई में हाल ही में हाउ वैल्यूनेबल आर चिल्ड्रन इन इंडिया टू क्राइम नामक रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 20% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर स्थित। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बाला सिंह का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से अभिनेता थे? तो इसका जवाब है तमिल। तमिल सिनेमा के जाने माने अभिनेता बाला सिंह का हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने वीरुमटी तथा पुत्तुपेटा जैसी फिल्मों में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मधु शेट्टी के निधन हुए, वे किस प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य थे? तो इसका जवाब है मुंबई प्रेस क्लब। हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य मधु शेट्टी का निधन हुआ। वह एक पत्रकार थे, वह मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व कॉर्पोरेटर थे। तो आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10, लोगों के अपराध के बारे में सचेत करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च करने का फैसला लिया है? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को अपराध के बारे में सचेत करने के लिए एक प्रोजेक्ट शक्ति को लॉन्च करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ में हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो।